हेलो हेलो अरविंदा राघव रेड्डी घूमते जा रहा है ना, मेरे बेटे को तू एमएलए बनाएगा, वहां पर तेरा क्या है बे? मैं ये अफवाह फैला दूंगा कि तूने मेरे बेटे को मारा, तेरे गांव वाले तेरे गांव में कोहराम मचा देंगे, गोमती आग के लपटों में गिर जाएगा। तो सच जानना चाहता है, मैंने ही अपने बेटे को मारा। तूने कहा था इन मुसीबतों को रोक सकता है तू, शांति कायम कर सकता है। शांति खत्म हो गई रे, चल फुट। मैं बदलाव लाऊंगा बसी रेड्डी, ये ताज्जुब की बात है कि आज मैं उस जगह हूं जहां तू 30 साल पहले था। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। तो ठीक है, तू वहीं रह, मैं भी देखता हूं कैसा बदलाव करता है। बदलाव लाएगा, क्या बदलेगा तू, कैसे बदलेगा बे? जब मेरे पिता की मौत हुई, मैं नहीं जानता था कि मैं तलवार उठाऊंगा, पर मैंने उठा ली। नहीं जानता था मुझ में इतना गुस्सा है कि तलवार तुम्हारे पार करूंगा, पर कर दी ना। दादी ने कहा तलवार फेंको, तब पता नहीं था उसे छोड़ूंगा या नहीं, पर छोड़ दी ना। तुम्हारे पीछे जो लड़की है, पता नहीं था बिना लड़ाई के ये जंग रोकी जा सकती है, पर उसके कहने पर रोक दी ना। पूछ रहे हो बदलाव कैसे लाऊंगा, मुझे भी नहीं पता कैसे लाऊंगा बसी रेड्डी, पर बदलाव आएगा, मैं लाऊंगा। कोमती गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से 2 मील दूर है और 2 लोग घायल हैं। हम सबको खत्म करो और इन्हें ले जाओ। ये सुबदु है जिसका तूने हाथ काटा था, जो तेरी आवाज से डर रहा था वो मारप्पा। तेरे सामने खड़ा है ये बस्सी रेड्डी, टोटल 3 जाने लेनी है तुझे, आ मार हमें। लेकिन इस खून के बाद यहाँ से जो जाएगा वो कोई सामान्य राघव रेड्डी नहीं होगा। बसी रेड्डी के बेटे को मारने के बाद बसी रेड्डी को मारकर जो उसके खिलाफ खड़ा था वो वीर राघव रेड्डी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, ऐसा एक फैक्शनिस्ट, ये कैसे बदलेगा रेड्डी? मेरी मौत के बाद मेरी 13वीं में जब मेरा श्राद्ध होगा, इस सुबदु का 10 साल का बेटा बदले की भावना लेकर खाना खाएगा जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए, ताकि वो 5 साल बाद बम बना सके। और जब तू सड़क पर अपनी कार से जा रहा होगा, तब ये कार को बम से उड़ाएगा। कैसे बदलाव लाएगा? इस पेड़ को मैंने कभी पानी नहीं दिया, लेकिन 30 साल पहले इसे खून दिया था। देख कैसा सूख गया है ये, इसी तरह गांव का हर घर उजड़ता जाएगा। कैसे बदलाव लाएगा तू, कैसे बदलाव लाएगा रेड्डी? यह धरती भी चाहती है कि तू हथियार उठाए, उठा उठा। राघव, ये पहले जैसा नहीं है, इस बार तुम नजदीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम हमें मत बचाओ। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी जो होने वाला है वो तुम्हें लिखना है राघव, कुछ नया लिखने की कोशिश करो।
क्या नहीं कोशिश करूं अभी। ये ऐसा गांव है जहां दो लोग मर रहे हैं पर कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या नहीं कोशिश करूं मैं। इसके 10 साल के बेटे की जिंदगी को इसी ने लिखा है। बॉम्ब बनाना है, जेल जाना है, बेल लेकर आजादी से जीना है। बॉम्ब बनाते वक्त अगर बॉम्ब उसके हाथ में फट जाता है तो इसी की तरह इसका बेटा भी एक हाथ से अपाहिज होगा। मैं क्या नया लिखूं ऐसे लोगों के लिए। यहां का हर रास्ता आंसुओं से भरा है। हर एक घर में आम के सूखे पत्ते टंग रहे हैं। पूरा गांव दर्द से रोता है और उनकी जिंदगी पर खून से हस्ताक्षर करने वाला ये। इस पर कुछ नया लिखने के लिए बचा ही कहां है। खून से सींचे इस गांव में बदलाव लाना चाहता था मैं, लेकिन यह कहता है कि उसके लिए तलवार उठाओ। खून से बदलाव कैसे आएगा। मैं तो इसे जानता तक नहीं। मारप्पा नाम है इसका, तो मैं इसे कैसे मार दूं? दो लोगों को बचाने के लिए 3 लोगों की जान लूं? मैं ये जंग नहीं चाहता। यहां चारों तरफ बस मौत की चीखें हैं। इस पर मैं क्या लिखूंगा अभी। क्या बे मारप्पा, ऐसे खड़े होकर क्या देख रहा है। मैंने उसके पिता को मारा था और वो आज हम सबके लिए अपने आंसू बहा रहा है। ऐसे इंसान के खिलाफ गए तो हमारी जिंदगी नरक है। उठा। मारप्पा, तुम दोनों मेरे बच्चों जैसे हो और तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। आपने अपने बेटे को बहराई में से मार डाला। रब्बी, आप कह रहे हैं हम आपके बच्चे हैं? सुपा, छोटे मालिक आप परेशान ना हो, इन्हें कुछ नहीं होगा। सुब्बा अपनी जुबान के लिए जान निछावर कर देगा, यकीन नहीं तो इनसे पूछो। ए सुब्बा, 30 सालों से तुझे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला और आज तू मेरे खिलाफ जा रहा है, आखिर क्यों? बसी रेड्डी, पूछा था ना बदलाव कैसे लाऊंगा। ऐसे लाऊंगा। अपनी बातों से मुझे बाल रेड्डी की तरह बदलना चाहता है, लेकिन ना मैं बाल रेड्डी हूँ ना सुबदो हूँ। खून का प्यासा बसी रेड्डी हूँ मैं, मुझे कैसे बदलेगा, कैसे? ऐसे जब तेरे बेटे से मिला तो मुझे उम्मीद थी कि बदलाव की शुरुआत होगी, लेकिन तूने उस उम्मीद को ही मार दिया। आज तेरे ही लोग तुझसे मुंह फेर के कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उम्मीद फिर जगी है। अब वो उम्मीद मरने नहीं दूंगा, इसीलिए आज मैं तुझे मार रहा हूँ। जब तक तू जिंदा है ये शांति से नहीं रहेंगे, लेकिन तेरा जीना भी जरूरी है और तेरा मरना भी, और इसीलिए मैं तेरी मौत के बारे में इंसान तो क्या किसी परिंदे तक को खबर नहीं होने दूंगा। तूने मेरे पिता को मारा, उसका बदला लेने के लिए तुझे नहीं मार रहा बसी रेड्डी। तूने अपने बेटे को मारा इसीलिए मार रहा। तू ऐसे और कई बच्चों को मारेगा, इस डर से तुझे मार रहा हूं।